ये रास्ता, अब हम लोग अंदर जाएंगे। इससे एंट्री पॉइंट नहीं पता। आई आशुतोष, स्कूल का फ्रेंड है मेरा। ये एंट्री आप लोगों से बहुत लोग आए होंगे तो उन लोगों को पता होगा कि यहाँ पे क्या कैसे एंट्री पॉइंट है। अंदर चलते हैं। और फिलहाल बहुत हो गया बाहर का सुदूर, तो बाकी देखो अंदर कैमरा अलाउ करता है कि नहीं करता, क्योंकि मेरे को नहीं लगता करेगा, क्योंकि ये भाई एंटिक सामान सब अंदर है तो लगता है चार्ज करेगा। मे भी अगर दस्ती करे तो मे भी चार्ज ले पैसा का, कैमरा का। देखो क्या होता अंदर। अगर आप जैसे ही एंट्री करते हैं आपको चिल्ड्रंस गैलरी मिलेगा। चिल्ड्रंस गैलरी के बाद हम आगे चलते हैं और यहाँ पे भाई बिहार म्यूज़ियम चिल्ड्रन एंड वाइल्ड लाइफ सेक्शन भी है जो आप देख रहे हैं अभी। तो काफ़ी सारे आर्टिफिशियल जानवर है जो आप देख सकते हैं। कोबरा भी बना हुआ है। अगर आपको मेरी तरह इन्फॉर्मेशन डेस्क छोड़ के खुद से एक्सप्लोर करना है तो मेरी तरह कर सकते हैं आप। अगर इन्फॉर्मेशन डेस्क के पास जाके इन्फॉर्मेशन लेना है तो वहाँ भी आपको मिल सकता है, लेकिन आप मेरी तरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलो आगे। करके इस कैंपस में बिहार के इतिहास से लेकर वर्तमान तक आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे बिहार के जितने भी सारे कल्चर्स हैं उनको यहाँ पे अच्छे से संभाल कर रखा गया है और दिखाया जाता है। तो आप आए यहाँ पे, ये एक तरफ से बेस्ट जगह है। और यहाँ पे डिजिटली फ़ोटो फ्रेम्स हैं जिसपे आपको मतलब फ़ोटो कुछ ना कुछ हरकत करते रहेंगे, तो ये भी एक तरह से अपने में एक तरफ से यहाँ पे अच्छा पेंटिंग्स रखा गया चिल्ड्रंस गैलरी में। यहाँ पे भाई एक ओरिएंटेशन थिएटर भी है जहाँ पे आपको बिहार के बारे में जितने पुराने शुरुआत से जितने पुराने जैसे नालंदा खंडर, पालवंश, ये बहुत सारे जितने भी मतलब बौद्ध भगवान अशोका और जितने भी बिहार में बिहार के मॉन्यूमेंट्स हैं वो आपको इस ओरिएंटेशन थिएटर में दिखाया जाएगा, जिससे आपको थोड़ा डीप नॉलेज हो जाएगा क्योंकि ये भी अंदर ही है। तो आप यहाँ पे जाएं और ओरिएंटेशन थिएटर में ज़रूर जाएं, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा आपको समझाया जाएगा बिहार के बारे में। आपको एक तरफ से भाई गर्व होगा, अगर आप बिहारी हो तो आपको अंदर से गर्व होगा कि हाँ आप बिहारी हो, क्योंकि बिहार के बारे में बहुत चीज़ें हैं जो बहुत लोगों को नहीं पता हैं, तो आप यहाँ विज़िट करके पता कर सकते हो खुद के तरीके से। तो आप ज़रूर आएँ बिहार म्यूज़ियम। आपको लगता है कि आप मगध पर राज कर सकते हैं? अफसोस इसका निर्णय तो मैं करूंगा।
आप जरूर आएँ बिहार म्यूज़ियम, और ये पटना में है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये बेली रोड में है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे आर्कियोलॉजी, रीजनल आर्ट, कंटेम्प्रेरी आर्ट, कलेक्शन बहुत सारे हैं भाई। आर्कियोलॉजी है, रीजनल आर्ट है, कंटेम्प्रेरी आर्ट है। बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि बिहार बिहार म्यूज़ियम में आप आओ एक बार और विज़िट करो, ये एक तरफ से बेस्ट जगह है। हुआ नहीं वो लगा कैसे म्यूज़ियम घूमने में, कैसा लगा भाई? मैं बता रहा हूँ ना, फुल पैसे वसूल है। वैसे तो मैं आईडी कार्ड लेके गया था बट नहीं लिया उसने, क्योंकि सेशन आउट हो गया था। मेरा 18-20 का आइडेंटिटी कार्ड था इंटरमीडिएट का, बट उसने पास आउट कर दिया, बोला कि ये इससे नहीं होगा, करेंटली वाला चाहिए। मतलब हिसाब में, मतलब हम लोग के हिसाब से रिसेंट में जो भी आपके पास आईडी कार्ड है कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जो भी है वो आप लेकर आए, रिसेंट का होना चाहिए, क्योंकि बिना रिसेंट का आपके पास नहीं रहेगा तो आपको स्टूडेंट वाला टिकट नहीं काटेगा, फिर आपको वही हो जाएगा। मतलब 100 रुपये पूरे लेंगे एक टिकट का, 50 रुपीज़ लगता है स्टूडेंट टिकट का। 100 रुपीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अगर अंदर आप जाओगे, अगर 100 रुपये भी लग गए तो भाई पैसा वसूल है। थिएटर में एक इतनी ज़बरदस्त 15 मिनट्स की मूवी दिखाई गई, देखकर खुश हो गया दिल कि आप हम सब बिहारी हैं और क्या क्या है बिहार में। सही है, वर्थ इट प्लेस है, आप आके देख सकते हो। ऐसा नहीं कि हाँ ज़्यादा पैसा लग रहा है, ये वो फलना ढिमकाना, नहीं, सही जगह है। फैमिली के साथ आओ, अकेले आओ, अगर क्यूरियस कपल्स भी आ सकते हो भाई, कपल उपल का बात मत कर। मैं इसको 8 out of 10 तो जरूर दूंगा। 8 out of 10 मैंने बहुत जगह देखा है, कोलकाता का भी म्यूजियम देखा है, बट पटना में इतना अच्छा म्यूजियम होना बहुत अच्छी बात है।